और आप देख रहे हैं दिगंता रेणु देवी। नाम तो जानते हैं ना? अब नाम तो जानना पड़ेगा क्योंकि मैडम उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जो बैठ गई हैं। बिहार की सत्ता में आते ही मैडम सुर्खियों में काफी आ गई हैं और ये मामला भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये मामला इनका नहीं बल्कि इनके भाई का है। जी हाँ, रेणु देवी के भाई हैं गुंडाई। गुंडाई इसलिए क्योंकि इनके भाई साहब का एक पुराना वीडियो आजकल बहुत वायरल हो रहा है। ये वीडियो जून 2019 का है, जिस समय रेणु देवी बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करती थी। इनके भाई पीनू, जो बेतिया ज़िले में रहते थे, एक मेडिकल स्टोर पर गए थे दवाई लेने। जब दवाई लेने दुकान के अंदर गए तो दुकानदार ने उन्हें झुककर सलामी नहीं की, उनके आदर में उठे नहीं और अपनी होती बेइज्जती देख पीनू भाई साहब को गुस्सा आ गया और वो लगे दुकानदार से ही झगड़ने। वहां खड़े गवाहों की बात माने तो रेणु यादव का भाई पीनू दुकानदार को मारने पीटने के बाद अपनी गाड़ी में बैठा कर घर भी ले गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि वहां उसने उसकी मरहम पट्टी की होगी, लेकिन नहीं जनाब, पीनू दुकानदार को अपने घर ले जाकर और पीटने लगा। उसका मन दुकान में पीटने से नहीं भरा तो घर ले जाकर उसे और मारा। रेणु देवी से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके भाई से उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई आना जाना नहीं है, बल्कि बातचीत भी बंद है। खैर, ये वीडियो 1 साल 5 महीने पुराना है और लोग इसे शेयर कर करके खूब वायरल कर रहे हैं। पर पुराना वीडियो है तो क्या हुआ? सत्ता में किसी नेता या मंत्री के आते ही पुराने गड़े मुर्दों को उखाड़ने का रिवाज बखूबी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दी कंटाप। आप तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दी कंटाप के साथ। आप हमारे चैनल दी कंटाप को फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि जब भी हम अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन के जरिए आपको पता चल सके। शुक्रिया।